हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। देन यहाँ पर मैक्सिकन लीग का मैच हो रहा है मोंटेरी वर्सेस सीएफ अमेरिका के बीच 8:40 पे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रस्तावित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर गाइस हम इस मैच की, तो मैच बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। क्लब अमेरिका टीम एक ऐसी टीम जो कि अभी तक देखा जाए तो मैक्सिकन लीग पर सबसे टॉप टीम रही है, और मोंटेरी टीम जिसने लास्ट सीज़न एंडिंग जो की थी वो टॉप में की थी, फर्स्ट रैंक पे। तो एक तरफ देखा जाए तो मोंटेरी टीम भी बहुत तगड़ी है। मतलब अगर मैं बराबरी करूं तो इन दोनों टीम की ऐसी एक मैच होता है हर सीज़न की जिसको कहा जाता है कि बराबर। तो स्ट्राइकिंग की अगर बात करूं, जे क्विनन्स तो देखिए अभी तक पूरी फॉर्म में है, और जो 7 अक्टूबर के बाद जितने भी मैचेस अगर हुए हैं जो दिख रहे थे हमें, उसमें जूलियन क्विनन्स के एक दो गोल तो आराम से और आ गए होंगे सिर्फ 20 डेज में जो भी 3-4 मैच हुए हैं। मतलब मैं मान गया इस बंदे को, जे क्विनन्स को, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हेनरी मार्टिन बीच में वीक पड़ गया था, हेनरी मार्टिन को रेगुलर नहीं भेजा था ना अभी पिछले मैच के अंदर भी, इसको सब्स्टिट्यूशन भेजा था। यही बंदा अगर प्लेइंग 11 में रहे तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, तो ये जे क्विनन्स के गोल्स को पीछे छोड़ने का दम रखता है जस्ट 5-6 मैचेस में। मतलब हेनरी मार्टिन इतना बड़ा खिलाड़ी है, तो मैं इनको लूँगा। और ऑपोजिशन टीम की बात करें, देखिए ऑपोजिशन टीम में आरफ्यून्स मॉरी से बेटर कोई स्ट्राइकर अच्छा नहीं है। मतलब इनकी टीम के अंदर अच्छे अच्छे आपको मिडफील्डर मिल जाएंगे, डिफेंडर मिल जाएंगे, बट आरफ्यून्स मॉरी से अच्छा आपको यहाँ पर प्लेयर नहीं मिलेगा मोंटेरी टीम में। और आगे से अगर बात करें मैक्सिमिलियानो मेज़ा को यहाँ पर मैं अपनी टीम में लूँगा। मैक्सिमिलियानो मेज़ा एक ग्रेट प्लेयर है, और खेलना इसको बहुत अच्छा आता है। पिछले मैच में भी 2 असिस्ट किया था, और गोल की ट्राई नहीं की इस बंदे ने पिछले मैच में। मतलब ये लगा लो आप, गोल की ट्राई नहीं की इस बंदे ने, इसने सिर्फ पिछले मैच में जो किया वो ये किया सिर्फ कि असिस्ट की तरफ जोर दिया इस बंदे ने। सो मैं मैक्सिमिलियानो मेज़ा को लूँगा, और बट क्योंकि अच्छा है ना, अपने लिए नहीं खेलता, अपनी टीम के लिए खेलता, अब लेना पड़ेगा। एंड डी वेल्डिस की बात करें तो देखिए डी वेल्डिस को यहाँ पर जरूर लेना, जैसे पिछले मैच के अंदर आप लोगों ने देखा कि बंदा कैप्टन ऑप्शन से नहीं हट रहा। भाई आप किसी को कप्तान रखो ना रखो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप वेल्डिस को अपनी कप्तानी ऑप्शन में ज़रूर रखो। अगर आप दो टीम के साथ खेलते हो तो मैं आपको मिनिमम बताऊँगा कि एक आधी टीम में तो भाई वेल्डिस को कप्तान रखो ही रखो। और एल्सोरस की बात करें, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म होता हुआ एक खिलाड़ी, और ब्रेन रॉड्रिग्यूज जो कि जगह पक्की कर चुका है अपनी बट चल नहीं रहा, और फिडाल्गो हो गया, ठीक है फिडाल्गो भी इतना खास नहीं खेल रहा। जेंडिचेस अच्छा खेल रहा है, इस बारे में मैं इसमें कोई डाउट नहीं है, जेंडिचेस अच्छा है। तो मैं आपको कहूँगा आप जेंडिचेस एंड एल सोरस में से कोई एक चुनो। सोरस अभी फॉर्म में तो नहीं है, अगर आप सोरस को इस मूवमेंट पर ड्रॉप आउट करते हो और जेंडिचेस पर रिस्क लेते हो तो हो सकता है ये रिस्क आपका सक्सेसफुल हो, तो देख लो अब क्या करना है। और अगले प्लेयर की बात करें देन कैनल्स भाई खेला ही नहीं, उसके बाद इतनी अच्छी शुरुआत दी थी टीम को, मुझे लगा था मोंटेरी टीम और आगे जाएगी, उसके बाद खेला ही नहीं। तो अब क्या हमें जे कॉर्टिजो को लेना पड़ेगा यहाँ पर, और कोई चांस ऑप्शन भी नहीं हमारे पास। और बात करें डिफेंडिंग सेक्शन की, देखिए मैंने मोंटेरी का कोई डिफेंडर नहीं लेना, अगर मैं लूँगा तो शायद मैं लूँगा यहाँ पे जीसस गलेडो को, और किसके बदले लूँगा ये मैं आपको बता दूँ, मैं लूँगा इसके बदले, ये जो इनका आपका खिलाड़ी है ना जॉर्डी कॉर्टिजो, इसके बदले मैं लूँगा यहाँ से जे गैलेडो अगर मैंने लिया। उसके बाद के एल्वरेस की अगर बात करें देन यहाँ पर केल्विन एल्वरेस के बाद लिचनोवस्की, ये दोनों प्लेयर यहाँ पर डन हो जाते हैं। उसके बाद एन अरोजो को अगर आपने लेना हो, अगर खेलेगा तो ज़रूर लेना अगर खेलेगा। उसके बाद अभी तो कुछ श्योरिटी है नहीं, क्योंकि इनके नीचे से बहुत ज़्यादा डिफेंडर्स को जगह मिल गई है। इन्होंने एस कैक्रस को पिछले दिनों खिलाया है, उसके बाद जॉरस को भी इन्होंने खिलवाया था, ठीक है। तो अब ये रेगुलर किसको रखेंगे कुछ नहीं पता, जिसकी परफॉर्मेंस इनको अच्छी लगेगी। अब फ्यूंटस की बात करूँ तो फ्यूंटस मुझे तो नहीं पसंद आया, पता नहीं ये लोग कैसे ले रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो शायद एस रेयस को लूँगा खेलेगा, या जो भी फोर्थ डिफेंडर खेलेगा, अभी कुछ नहीं पता, अभी कैक्रस को सेव कर लो। आगे से अगर बात करें यहाँ पर गोलकीपिंग की, तो ई एंड्रेड, इसकी जगह और कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ई एंड्रेड ने क्लब अमेरिका को बहुत बार फेस किया है। तो बात करें कप्तान की, कप्तान है मेरी टीम का जो रहने वाला है वो है यहाँ पर हेनरी मार्टिन, एंड वाइस कप्तान है डी वेल्डिस। तो ये मेरी टीम है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।